गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का राजेश सर आज क्लास थ्री का एसएसटी आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए क्लास थ्री का एसएसटी बुक, बहुत दिन हो गया आप लोग को पढ़ाई किए हुए, इसीलिए अब हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत खेल लिए, मस्ती कर लिए, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है आवर यूनिवर्स, ये है आप लोग का पहला चैप्टर आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड, आवर मतलब हमारा होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, द स्टार। द स्टार मतलब जिसको हम लोग की तारा बोलते हैं, द सन सूर्य, और द यूनिवर्स यूनिवर्स, ये तीन चीज के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग जब रात में तारा को देखते होंगे तो वो तारा चमकता है, आप लोग उसको गिनने का भी कोशिश करते होंगे, लेकिन कोई जो है तारा को आज तक कभी गिन नहीं पाया है, क्योंकि वो हजारों हजार हैं यूनिवर्स में। द स्टार्स, अब द स्टार्स के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो स्टार जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको कि हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, और ये जो है डिफरेंट साइज में भी है, ये नहीं है कि सब स्टार एक ही साइज का होता है, डिफरेंट साइज का भी है। दे शाइन ऑल द टाइम इन द स्काई, बोलता है कि वो हमेशा आकाश में चमकते रहते हैं। ड्यूरिंग द डे द लाइट फ्रॉम द सन इज सो ब्राइट दैट वी आर एबल टू सी द लाइट ऑफ द अदर स्टार्स इन द स्काई, बोलता है कि दिन में क्या होता है, सूर्य का रोशनी बहुत ज्यादा होता है, सूर्य ज्यादा चमकता है, इसके वजह से हम लोग तारा को देख नहीं पाते। तारा जो है वो दिन में भी मौजूद रहता है लेकिन नजर नहीं आता हम लोग। अब आगे का वीडियो में आप लोग को और थोड़ा सा हम और बताएंगे, बस इस वीडियो में इतना ही।